हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.4। इसमें हमने क्वेश्चन करने हैं, सोल्व करने हैं बाय मैट्रिक्स मेथड से। तो सोल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x-7y = 2, 7x-5 = 3, सेकेंड है 5x+2y = 4 और 7x+3y = 5। तो ये जो दो पार्ट हमने इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से। तो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से देखो 5x-7y = 2, 7x-5y = 3। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इक्वेशन Ax = b। तो इसमें हमने एक्सप्रेस करना, तो जो आपका a है वो आपका 5, 7, -7, -5 और जो x है xy। जब आप a और x की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है, ये कंडीशन आएगी। और जो बी है 2, 3, तो इसमें जो हम एक्स निकालते थे वो कैसे था, जो थ्योरम में था आपका, क्या आइडेंटिटी बनती थी, एक्स ए इनवर्स बी हमने प्रूव किया था। जो एक्स था वो ए इनवर्स बी, आपने ए इनवर्स निकालना है, बी आपके पास है, तो ए इनवर्स आप पिछली एक्सरसाइज में निकाल चुके हो। तो ए इनवर्स कैसे निकालते, पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट 5, 7, -7, -5, तो इसका डिटर्मिनेंट -25 + 49 कितना है, 24। अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इज नॉन सिंगुलर एंड हैंस द सिस्टम हैज ए यूनिक सोल्यूशन गिवन बाई x = a इनवर्स b। तो ये हमने कल कंडीशन की थी कि अगर वो नॉन सिंगुलर है तब यूनिक सोल्यूशन होता है और कंसिस्टेंट होता है, याद रखोगे ये कंडीशन। तो जब यूनिक सोल्यूशन हो तब क्या बनता है हमारे पास, x = a इनवर्स b। तो हमने a इनवर्स निकालना है और b निकालना है, तो उसकी मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। नाउ द कोफैक्टर ऑफ a आर a 11-5 है, a 11-2-7 है, a 21-7, a 22-5। तो ये अर्जुएंट ए कैसे लिखते हैं, -5, 7, -7, 5। अर्जुएंट कैसे निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज, जो आपका कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज। तो -5, -7, 7, 5, ये आपका अर्जुएंट ए आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला जो 1/a का डिटर्मिनेंट, अर्जुएंट ए आया आपका, ए का डिटर्मिनेंट आया आपका 24, तो 1/24। अर्जुएंट ए आया -5, -7, 7 और 5। तो जो x है वो कैसे निकालते हैं, a इनवर्स b, a इनवर्स आया आपका 1/24, -5, -7, 7, 5 और जो b है वो 2, 3 है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई की, कितनी है, -10, +21, -14, +15। तो जो x आपका xy 1/24 और 21 प्लस के हैं माइनस के 10, तो 11 आ गया, और ये प्लस के 15 है, ये माइनस के 14, तो 1 आ गया। अब इस किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 11/24, 1/24। तो कंपेयर करोगे, एक्स की वैल्यू है 11/24 और वाई की है 1/24। ये हमें निकालना था। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, 5x+2y = 4, 7x+3y = 5। अब जो ax = b, ये आपकी सिस्टम की इक्वेशन है, तो a आपका 5, 7, 2, 3 है, कोफिशिएंट लिखते हैं हमें। जो x है वो को वेरिएबल है xy, और जो b है 4y, ये कॉन्स्टेंट है। फिर x जो हमारा x है वो कैसे निकालते हैं, a इनवर्स b, तो हमें इनवर्स निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, a का 5, 7, 2, 3, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 15, इसके इसके साथ माइनस का 14, तो 1 आ गया, जो डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो a इज नॉन सिंगुलर एंड हैंस द सिस्टम हैज ए यूनिक सोल्यूशन गिवन बाय x = a इनवर्स b। तो a इनवर्स b हमने निकालना है। तो जब a इनवर्स निकाल लोगे तो ए के कोफैक्टर भी निकाल लोगे, तो द कोफैक्टर ऑफ ए, ए 11-3 आ गया, ए 12-7 आ गया, ए 21-2 हो गया और ए 22-5 हो गया। तो अर्जुएंट ए कैसे निकालते हैं, इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज।
तो 3 - 2 - 7 5 का ट्रांसपोज, तो 3 - k 7 हो गया और -k 2 5, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 / a का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, जो ए का डिटरमिनेंट 1 आया है और जो एडजॉइंट ए आया आपका 3 - 7 - 2 5, ये आपका ए इनवर्स आ गया। हमें निकालना है एक्स ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स आया आपका 3 - 7 - 2 5 और जो बी आपके पास वो है 4 5, तो यहाँ वैल्यू रखोगे 4 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4 की 3 के साथ करोगे 12, 7 के साथ करोगे माइनस का 28, 5 के साथ करोगे माइनस का 10 और इसके साथ करोगे 25, तो ये कितना हो गया 12 - 10 2 और माइनस का 20 प्लस का 25 माइनस के 3। तो जो एक कंपेयर करोगे, क्योंकि इक्वल है मैट्रिक्स, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो एक्स की वैल्यू 2i है और वाई की -3, तो हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज एक्स 2 और वाई -3। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, अगर आप एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -3 कोई भी इक्वेशन में फर्स्ट में थर्ड सेकंड में रखोगे तो इसके इक्वल आएगा। अगर यह रखने के बाद 4 आता है फिर तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर 4 ना आए तो फिर आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। तो ये बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से जो सॉल्यूशन किया हमने लीनियर इक्वेशन का, आपने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के और भी पार्ट है जो सेम है आपने फिर कॉपी में करने हैं और साथ में एग्जांपल भी देखने हैं। थैंक्स।